नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, T20 की कमान भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है, जबकि श्रीलंका दौरे पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी टीम इंडिया के प्रिंस यानी सुमन गिल के कंधों पर डाली गई है। आपको बता दें, भारत और श्रीलंका के बीच इस दौरे का पहला T20 मुकाबला 27 जुलाई को शाम 7 बजे से पल्लीकली क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में खेला जाएगा, जिसके लिए भारतीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। तो चलिए जानते हैं श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में कौन से 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी भारतीय टीम, कौन निभाएगा भारतीय टीम में सलामी बल्लेबाज की भूमिका, तो किसे मिलेगी मध्य क्रम संभालने की जिम्मेदारी और कौन निभाएगा टीम इंडिया की बेहतरीन फिनिशर की भूमिका। तो दोस्तों, भारतीय टीम के तरफ से पहले सलामी बल्लेबाज के रूप में भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हाल ही में खत्म हुए T20 सीरीज में जिम्बाब्वे दौरे पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी की थी। आपको बता दें, शुभमन गिल एक बेहद ही शानदार और शांत बल्लेबाज है और वो सलामी बल्लेबाज के रूप में कई बड़ी पारियां भी खेल चुके हैं और वो टीम इंडिया के उप कप्तान भी है, इसलिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में उनकी जगह सलामी बल्लेबाज के रूप में पक्की है। जबकि दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में नजर आएंगे बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। तो इन दोनों सलामी बल्लेबाज के साथ टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में उतरेगी। नंबर 3 पर खेलेंगे बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने भी T20 विश्व कप 2024 में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी की थी और वो हालिया समय में बेहतरीन फॉर्म में भी है। जबकि नंबर 4 पर खेलेंगे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव बल्ले के साथ कप्तानी में भी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, यही एक बड़ी वजह है कि हार्दिक पांड्या को हटाकर सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है। नंबर 5 पर खेलेंगे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी से भी विपक्षी टीम को तहस नहस कर सकते हैं। तो सलामी बल्लेबाज सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल के बाद ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के कंधों पर टीम इंडिया की मध्य क्रम की जिम्मेदारी होगी। उसके बाद नंबर 6 और 7 पर फिनिशर की भूमिका में खेलेंगे बाएं हाथ के दो बल्लेबाज शिवम दुबे और रिंकू सिंह। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ये दोनों बल्लेबाज काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज की धजियां उड़ा सकते हैं। जबकि नंबर 8 पर खेलेंगे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल भी गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी धमाल मचाने वाले खिलाड़ियों में से एक है। नंबर 9 पर खेलेंगे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। ये गेंदबाज अपनी सटीक यॉर्कर से काफ़ी धमाल मचा सकता है। नंबर 10 पर खेलेंगे श्रीलंका के दुश्मन तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। जबकि नंबर 11 पर खेलेंगे स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई। तो दोस्तों, इस तरह रहने वाली है पहले T20 के लिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और रवि बिश्नोई।